महाराष्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी उपज के गिरते दाम तो कभी प्रकृति की बेरुखी से फसलों को नुकसान हो रहा है। इस समय उत्तरी महाराष्ट्र, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश से रबी की मुख्य फसलों समेत बागों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर मराठवाड़ा में बढ़ते तापमान और तेजी धूप के कारण सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो रही हैं। महाराष्ट्र के किसान बदलते मौसम की मार झेल रहे हैं, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, इससे किसानों का सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। इस गर्मी में मराठवाड़ा के नांदेड़, उस्मानाबाद, हिंगोली और परभणी जिलों में सोयाबीन की बुआई की गई है। किसानों ने कृषि विभाग की सलाह में पहली बार सोयाबीन की खेती की है और उससे किसानों को फायदा भी हो रहा था, लेकिन कुछ दिनों से बढ़ते तापमान ने सब खराब कर दिया है। अब किसानों को उत्पादन में कमी की आशंका है। सोयाबीन एक बारिश में उगाई जाने वाली फसल है, इसलिए जलवायु परिवर्तन और रुक रुक कर होने वाली बारिश से इसकी वृद्धि कम होती है। इस साल गर्मी में पानी की अच्छी उपलब्धता और कृषि विभाग के मार्गदर्शन में किसानों ने ग्रीष्मकालीन सोयाबीन की पहली बार बुआई की थी। उनकी फैसले फसल फूल भी रही थी, लेकिन अब अचानक से बढ़ते तापमान के कारण फसल अब खतरे में नजर आ रही है। किसानों ने सोचा था कि खरीफ में हुए नुकसान की भरपाई गर्मी के मौसम में कर लेंगे, लेकिन अब किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि तापमान बढ़ता है तो जल स्तर तेजी से गिरता है। समय पर पानी नहीं मिलने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। अब इसका उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। अभी तक किसान और कृषि विभाग को उम्मीद थी कि गर्मियों में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे खरीफ सीजन में सोयाबीन के बीजों की कमी नहीं होगी। लेकिन अब किसान को पता चल गया है कि अंतिम चरण में खिल रही सोयाबीन की फसल पानी की कमी के कारण बर्बाद हो जाएगी और उत्पादन में गिरावट आएगी। अगर उत्तरी महाराष्ट्र की तरह मराठवाड़ा में बारिश हो जाती है तो सोयाबीन के लिए ये अच्छा होगा और किसानों को नुकसान नहीं होगा। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।